किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को समझने की कोशिश जरूर करें। हम सही हो सकते हैं, लेकिन मात्र हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। सच्चे और शुभचिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं। वो चमकते तो सदैव रहते हैं, परंतु दिखाई तभी देते हैं जब अंधकार छा जाता है। ऐसे ही अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर आए और शख्स को शख्सियत बनाने का काम किया। इसी निर्णय ने उन्हें बनाया डायमंड शिप अचीवर, सेफ शॉप के डायमंड लीडर प्रभात रंजन। १९९–१९९४ को बसघट्टा मुजफ्फरपुर के रहने वाले श्री सामेश्वर ठाकुर और श्रीमती बिमला देवी के घर जन्म हुआ प्रभात का। तीन भाइयों में सबसे बड़े प्रभात। पिता सहारा इंडिया में काम करते और इसी प्राइवेट नौकरी के भरोसे अपने बच्चों की शिक्षा को संभालते, तो सेंट मार्टिन हाई स्कूल पटना से शुरू हुई प्रभात की शिक्षा और मॉडर्न सेंट माइकल हाई स्कूल से दसवीं पास कर ली। इसके बाद की शिक्षा बारहवीं की एएन कॉलेज पटना से। इसके बाद बीकॉम करने कॉलेज ऑफ कॉमर्स आ गए। परिवार में पांच लोग थे, माता पिता और तीन भाई। पटना जैसा शहर और प्राइवेट नौकरी, आय कम खर्चे ज्यादा, तो सिर्फ एक कमरे के मकान में रहते। वहीं खाना बनता और वहीं खा लिया जाता, और अगर पैर सीधे करो तो सर दीवारों से लगता। यही वो हालात थे जहां से प्रभात के बचपन की शुरुआत हुई। इसीलिए मेहनत को अपना लक्ष्य बनाया और दसवीं से ही काम करना शुरू किया। उम्र कम थी और एक ऑफिस में डेटा एंट्री का काम करने लगे, जिससे अपने कुछ खर्चे निकाल सके। पर छह महीना काम करने के बाद भी पैसे नहीं मिले और बारहवीं के साथ शादी और होटलों में वेटर का काम करते चार साल काम किया। पैसा तो मिला पर संगत गलत हो गई। बीकॉम कर रहे थे तब चाचा कमलेश ने सेफ शॉप के बारे में बताया। रवि कुमार शेखर सर ने प्लान को समझाया। प्रभात ने सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया। उम्र और तजुर्बा दोनों कम था, तो विश्वास नहीं था लोगों का, पर फिर भी काम करते। इसी वजह से लोग नहीं जुड़ते। बांध ले हौसला, चल कदम तो बढ़ा है आखिरी सामना तेरे जिस्म का लहू। धीरे धीरे सेफ शॉप से मन हटने लगा, पर जब अविनाश सर की डायमंड शिप को देखा तो अपने आप को डायमंड बनाने का सपना देखने लगे। पर अब वो कैसे करे? तू फिर उड़ेगा।
रवि सर ने साथ दिया। रवि सर के निर्देशन में सीखने लगे। गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंद आ, रुकना तो बंद आ, राह पे चल बंद आ। डरना तो बंद आ, रुकना तो बंद आ, राह पे चल बंद आ। धीरे धीरे टीम ने रूप ले लिया और प्रभात के लेवल अचीव होने लगे। पर जब कोविड आया तो प्रभात की गति पर रोक लग गई। टीम ने काम करना बंद कर दिया। तब अपलायन शुभकांत सर ने साथ दिया। अब शुभकांत सर के साथ काम करते। इसी समय पिता ने प्रीति के साथ प्रभात का गठबंधन कर दिया। 19/6/2020 में प्रीति प्रभात का सहारा और साथी बनी। फील्ड में अपलाइन का साथ था और घर पर परिवार और पत्नी का साथ, और साथ थी उम्मीदें। इन सब के कारण प्रभात अपनी बुलंदी की तरफ अग्रसर हुए और सेफ शॉप से अपनी बाइक, कार और लैपटॉप को खरीदा। अपने लेवल और सपने को अचीव किया और अचीव किया डायमंड शिप को। लीडर प्रभात रंजन। लोचनाए दिगंबराए अति विशिष्टम विराट रूपम भोजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मन शिवा। हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाते। हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाते। धरती अंबर वावे है धर 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 सिद्धि है। 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 सिद